नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया, मैं हूं राकेश। सिवान जिले के सिसवन बाजार से बड़ी खबर आ रही है। बालू लेकर जा रहे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दिया, जैसे चालक तो बच गया लेकिन बाइक चकनाचूर हो गई। सिसवन थाने के मधवापुर निवासी पप्पू कुमार बाइक से सिसवन से कहीं जा रहा था, तभी माझी से रघुनाथपुर की ओर जा रही ट्रक ने टक्कर मार दिया, जिससे बाइक चालक पप्पू का जान बच गया लेकिन बाइक चकनाचूर हो गई। स्थानीय लोगों ने भाग रहे ट्रक को पकड़ लिया। सिसवन से राजेश पांडे की रिपोर्ट। बोलिए, ये आपके साथ क्या हुआ है? धक्का लगा है। धक्का लगा है? कैसे धक्का लगा है? धक्का लगा है, हम साइड में जा रहा था। हाँ। 10 पर 15 पर। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? पप्पू कुमार। पप्पू कुमार, कहाँ गाँव है? माधवपुर। आप प्रखंड सिसवन? हाँ। थाना सिसवन जी। तो ये जो ट्रक है उसके उससे आप साइड ले रहे थे जी, लेकिन नहीं, हम साइड में रहते, साइड में थे। हाँ जी। लेकिन एक बैग वो सामने आ गया तो आपको एक बैग आके सामने आके मार दिया, तो आप तो बच गए लेकिन गाड़ी का पूरा तरह से चकनाचूर हो गया। अभी क्या कर रहे हैं? अभी भैया आ रहे हैं, जो घर के लोग आ रहे हैं। तो आपने ट्रक को रुकवाया है? जी। ट्रक को रुकवाया है? जी। फिर से अपना नाम बताइए। पप्पू कुमार चौरसिया। हाँ। गाड़ी गिर गया। कहाँ से आ रहे हैं? गाड़ी से माझी से। कहाँ जा रही है बालू? रघुनाथपुर। किसका ट्रक है? मालिक का है। मालिक कहाँ के हैं? आगे कहाँ? रघुनाथपुर के। क्या नाम है मालिक का? राजेश यादव। राजेश यादव।